अहम तहलका न्यूज। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा मदरसों के सर्वे का आदेश जारी करने के बाद स्वामी रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कुछ लोग इस्लामिक उन्माद और गलत गतिविधियों के मंसूबे पाले बैठे थे। सीएम धामी ने इसका संज्ञान लेकर मदरसों की जांच करवाने का जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। इसके लिए सीएम धामी को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इसी के साथ रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड में आज से 30 साल पहले इस्लामिक उन्माद नहीं था, लेकिन आज कुछ लोग कुछ से तरीके से देवभूमि उत्तराखंड को इस्लामिक उन्माद और धर्म परिवर्तन करके दूषित करने का काम कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मैं एक आत्मीय मिलन के यहाँ पर हूँ। स्वामी जी, एक बड़ी बहस इस समय मदरसों की शिक्षा को लेकर चल रही है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो एक सर्वे कराने की बात भी कही गई है। किस तरह से देखते हैं आप मदरसों की शिक्षा? पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बात पिछले आज़ादी के 75 वर्षों से चल रही थी और उसको मूर्त रूप देने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया। यहाँ पर जिस तरह से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, वो उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय था। यह सीमांत प्रदेश है, देवभूमि है, हरिद्वार महातीर्थ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ के साथ साथ उत्तराखंड दुनिया की आज आध्यात्मिक राजधानी है। और ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर मजहबी उन्माद और कुछ अलग प्रकार के मनसूबे पाले बैठे लोग गलत गतिविधियां कर रहे थे, उनका जैसे ही मुख्यमंत्री को पता लगा तो उन्होंने मदरसों की जांच का आदेश दिया। जो सही कर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं, और जो गलत कर रहे हैं उनको तो डरना ही चाहिए। कुछ साधु संतों ने मांग की बंद होने चाहिए। देखिए, आज से 30 साल पहले जब मैं हरिद्वार आया था और उत्तराखंड में मेरी, कहता हूँ, भौतिक जन्मभूमि तो हरियाणा है लेकिन आध्यात्मिक जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड और गंगोत्री है, तब मैंने यहाँ देखा किसी भी तरह का इस्लामिक उन्माद नहीं था। अब यहाँ पर जो इस्लामिक उन्माद और उसमें फिर धर्म परिवर्तन और पूरे इस देवभूमि को कुछ लोग कुत्सित तरीके से दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है और वो निंदनीय है। गुरु जी, लंपी बीमारी से पूरा देश परेशान है इस समय, गाय गौ माता जो है। गौरतलब है कि स्वामी रामदेव हरिद्वार के भूपतवाला स्थित आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद महाराज जी द्वारा की जा रही भागवत कथा में भाग लेने पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। प्रथम तहलका के लिए उत्तराखंड से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।